एथिकल हैकिंग फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक चिप में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि टारगेट बेस्ड पासवर्ड लिस्ट या वर्ड लिस्ट कैसे तैयार की जाती है डिक्शनरी अटैक के लिए। दोस्तों मान लीजिए किसी टारगेट का सेंसिटिव डाटा जो कि उसने पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट में सेफ रखा हुआ है, जैसे PDF, जिप रार फाइल्स, बिट लॉकर जैसे अन्य किसी सॉफ्टवेयर में, यदि वो डाटा हैकर्स के हाथ लग जाता है तो हैकर्स उन पासवर्ड के एक्सेस को क्रैक करने के लिए यूज करेंगे डिक्शनरी अटैक का। यदि वो पासवर्ड को किसी भी वर्ड लिस्ट या पासवर्ड लिस्ट के द्वारा क्रैक करने की कोशिश करेंगे तो जरूरी नहीं कि सफलता मिल ही जाए। कोई जरूरी नहीं है कि उन पासवर्ड लिस्ट या वर्ड लिस्ट के अंदर टारगेट का पासवर्ड मौजूद हो। और दोस्तों ब्रूट फोर्स अटैक से पासवर्ड क्रैक हो सकता है, पर उसमें टाइम बहुत लगता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यदि दोस्तों पासवर्ड स्ट्रांग है तो इस काम में महीनों लग सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हैकर उस टारगेट को लेकर एक ऐसी कस्टम पासवर्ड लिस्ट तैयार करेंगे जो कि टारगेट ने शायद वो पासवर्ड यूज किए हों। तो ये जानकारी हैकर्स को मिलती है टारगेट के सोशल अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे सोशल नेटवर्क से, उनकी वेबसाइट या ब्लॉग से, उनके एम्प्लॉई फ्रेंड्स या उनके मिलने वालों से या किसी अन्य सोर्स से वो ऐसी जानकारियां कलेक्ट करते हैं। उसके बाद ऐसी वर्ड लिस्ट या पासवर्ड लिस्ट तैयार की जाती है जिसमें कि संभावना है कि टारगेट ने वो पासवर्ड यूज किए हों। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि टारगेट को ध्यान में रखकर ऐसी वर्ड लिस्ट या पासवर्ड लिस्ट कैसे तैयार की जाती है जिसमें पासवर्ड मिलने की ज्यादा संभावना रहती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे टारगेट बेस्ड पासवर्ड लिस्ट या वर्ड लिस्ट तैयार करने के काफी सारे टूल्स मौजूद हैं, पर हम आज इस वीडियो में एक काफी आसान और काफी इजी टूल के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उसके द्वारा कैसे कस्टम पासवर्ड लिस्ट तैयार की जा सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस टूल को डाउनलोड करना होगा। तो आप अपने वेब ब्राउजर के अंदर ये लिंक ओपन कर लीजिए। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप यहाँ से उसकी जिप फाइल या इसका गिट क्लोन URL कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने इसका गिट क्लोन URL कॉपी कर लिया। उसके बाद दोस्तों आप टर्मिनल विंडो ओपन कर लीजिए। ये मैंने टर्मिनल विंडो ओपन कर ली। इसके बाद मैं अपने डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ। मैंने कमांड लगा दिया CD डेस्कटॉप। ये मैं अपने डेस्कटॉप पर आ गया। दोस्तों यहाँ पे हम कमांड लगाएंगे गिट क्लोन और जो हमने URL कॉपी किया था उस URL को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और एंटर दबा दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये टूल आपके डेस्कटॉप पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। काफी छोटा सा टूल है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। ये देखिए दोस्तों ये टूल डाउनलोड हो गया। अब हम इस फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। मैंने कमांड लगा दिया CD कप। ये देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे फाइल मिल जाएगी cup.py। सीधे इसको रन करा दीजिए। मैंने कमांड लगाया दोस्तों /cup.py और एंटर दबाइए। ये देखिए दोस्तों ये टूल रन हो गया। इसमें आपको ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप इस टूल का कैसे यूज कर सकते हैं। आप इन ऑप्शन का यूज करके तरह तरह की पासवर्ड लिस्ट तैयार कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों -H, ये हेल्प के लिए है। आप यदि इस कमांड को लगाएंगे तो आपको यही मेनू इसमें देखने को मिलेगा कि आप इसमें कौन कौन से ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन है -I, इसमें दोस्तों टारगेट बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे। जो भी हैकर्स ने जानकारियां इकट्ठी की हैं वो इसमें फिल करेंगे, उसके हिसाब से वो पासवर्ड लिस्ट तैयार कर देगा। तो दोस्तों देखते हैं ये कैसे होगा। ये दोस्तों मैंने कमांड लगाया cup.py -i और एंटर दबा दीजिए। ये देखिए दोस्तों ये सवाल पूछ रहा है। आप बस इन सवाल का जवाब देते जाइए और पासवर्ड लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो मैंने वैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ रैंडम नाम इसमें डाल रहा हूँ। तो फर्स्ट नेम जैसे मैंने नाम डाल दिया टेक, सरनेम चिप डाल दिया, निकनेम टेकी डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ इसमें टाइप कर दीजिए। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दी। पार्टनर्स नेम, ये मैंने पार्टनर्स नेम टाइप कर दिया, निकनेम पार्टनर्स का उसकी डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों अक्सर नॉर्मल लोग ऐसे ही पासवर्ड यूज करते हैं, या तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने पार्टनर का नाम, अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, अपने बच्चों का नाम, इस तरह के दोस्तों ज्यादातर पासवर्ड यूज किए जाते हैं क्योंकि दोस्तों इनको याद रखना ज्यादा आसान रहता है। पर दोस्तों ये काफी खतरनाक भी है। तो दोस्तों मैंने सारे इसमें जो भी इसने पूछा सारे मैंने फिल कर दिए। दोस्तों इसके बाद पूछ रहा है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी इसके अंदर यूज करने हैं। मैंने इसमें यस कर दिया। तो दोस्तों हैकर्स ने उस टारगेट के बारे में काफी जानकारी इकट्ठी की। वो पता लगाते हैं कि उसकी क्या हॉबी है, वो क्या पसंद करता है, कि वो इस टाइप के पासवर्ड भी शायद वो यूज कर सकता है। तो वो कुछ शब्द है दोस्तों यहाँ पे भी डाले जा सकते हैं, जैसे कि मान लो टारगेट ने यूज किया हो पासवर्ड, वो क्रिकेट का शौकीन है तो उसने मान लीजिए क्रिकेट प्लेयर का नाम अपने पासवर्ड में डाला हो या किसी गेम का नाम अपने पासवर्ड में डाला हो। तो दोस्तों इस तरह के वर्ड्स इसमें यहाँ पे ऐड किए जा सकते हैं। तो वो सिंपल कॉमा लगा के वो वर्ड्स यहाँ पे ऐड कर दीजिए और एंटर दबा दीजिए। इसके बाद दोस्तों ये पूछ रहा है कि आपको वर्ड के लास्ट में स्पेशल कैरेक्टर भी डालने हैं। मैंने कर दिया यस। इसके बाद पूछ रहा है कि आपको कुछ रैंडम नंबर्स भी पासवर्ड के एंड में यूज करने हैं, इसमें भी मैंने यस कर दिया। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा है कि आपको लीट मोड ऑन करना है। दोस्तों लीट मोड क्या होता है आपने देखा
देखा होगा दोस्तों, काफी सारे लोग अपने नाम के बीच में नंबर्स का प्रयोग करते हैं जो कि पढ़ने में बिल्कुल उस नाम जैसा ही लगता है। वो ऐसे वर्ड्स को अपने पासवर्ड के अंदर भी यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों, जैसे मैंने लिखा टेक, तो इसको मैं लीट मोड में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा T3CH। दोस्तों ये जो 3 है वो ई जैसा लग रहा है, यदि हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये ई ही बन जाएगा। तो आप इसको वैसे कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आपको टेक ही पढ़ने में आएगा। जैसे दोस्तों मैंने लिखा काली, K4L1। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने ए की जगह 4 लिखा है और आई की जगह 1 लिखा है, पर दोस्तों यदि आप उसको पढ़ रहे हैं तो आपको काली ही पढ़ने में आ रहा है। जैसे मैं दोस्तों मैंने लिखा हैकर, तो जैसे मैंने ए की जगह यूज किया 4 का, ई की जगह यूज किया 3 का, ये शब्द बन गया हैकर्स। दोस्तों ऐसे वर्ड्स को यदि हम पासवर्ड में यूज करेंगे तो उनको भी ध्यान रखना काफी आसान रहता है और थोड़ा सा उनको क्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं लीट मोड। लीट, यदि लीट को हम नंबर्स में लिखेंगे तो वो हो जाता है 1337। एल का मतलब 1, डबल ई मतलब 3 और टी मतलब 7। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों लीट 1337। मैं इसको यस कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये पासवर्ड लिस्ट यहाँ पे जनरेट हो गई। इसने करीब 63,000 वर्ड्स इसमें तैयार कर दिए और टारगेट के फर्स्ट नेम के नाम से वो फाइल आपके इसी फोल्डर में सेव हो जाएगी। ये देखिए, ये आपको फाइल मिल गई tech.txt। आप इसको ओपन करके देख लीजिए। ये देखिए, इसमें एंट्रियां फिल की थी उसके हिसाब से इसमें पासवर्ड लिस्ट तैयार हो गई। आप देख सकते हैं इसमें जो हमने लीट मोड ऑन किया था उसके हिसाब से भी इसमें देखिए पासवर्ड लिस्ट इसमें तैयार हो गई है। तो इस पासवर्ड लिस्ट का डिक्शनरी अटैक में यूज किया जा सकता है और संभावना है कि इसमें वो पासवर्ड मिल जाए। जो भी टूल डिक्शनरी अटैक सपोर्ट करता है उसमें इस पासवर्ड लिस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको अगला ऑप्शन बताता हूँ इसमें। ये देखिए दोस्तों, अगला ऑप्शन है इसमें -W। इसके द्वारा दोस्तों डिक्शनरी को और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये कैसे होगा दोस्तों, मैंने अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया लीफ पैड। तो दोस्तों इस ऑप्शन में ऐसे वर्ड्स यूज किए जाएंगे जो हो सकता है कि टारगेट ने यूज किए हों। कुछ कॉमन पासवर्ड हो सकते हैं, उसकी कुछ हॉबीज हो सकती हैं, जो भी जानकारी दोस्तों हैकर्स ने इकट्ठा की है उसके हिसाब से वो कुछ वर्ड्स इसके अंदर ऐड कर सकता है, जिसकी की संभावना है कि वो टारगेट्स की इन वर्ड्स का यूज पासवर्ड में कर सकता है। तो दोस्तों इस लिस्ट में करीब 200 वर्ड यूज किए जा सकते हैं। इसमें ये सारे वर्ड्स आप डालने के बाद इस फाइल को सेव कर दीजिए। ये मैंने फाइल सेव कर दी अपने डेस्कटॉप पर। ये मैंने इसका नाम दे दिया pass.txt। इसको मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर दिया। इसको कर देते हैं दोस्तों बंद। अब वापस यहाँ पर कमांड लगाएंगे दोस्तों cup.py-w, और जो फाइल हमने अभी सेव की थी उस पूरा फाइल का यहाँ पे पाथ लिख दीजिए रूट के अंदर डेस्कटॉप के अंदर pass.txt और एंटर दबाइए। दोस्तों ये फिर आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है कि आपको उन वर्ड्स को जोड़ के भी इसको शब्द बनाना है। इसको कर दिया यस। ये पूछ रहा है कि आपको वर्ड्स के एंड में स्पेशल कैरेक्टर यूज करने हैं, यस कर दिया मैंने। इसमें रैंडम नंबर यूज करने हैं, इस पर भी यस कर दिया। लीट मोड, दोस्तों ये डिपेंड करता है कि टारगेट कितना स्मार्ट है, कि वो इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकता है क्या। यदि ऐसा हो सकता है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। यदि आप इसको यस करेंगे तो वर्ड लिस्ट काफी लंबी हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये फाइल तैयार हो गई। जो हमने करीब 5-6 शब्द उसमें डाले थे उसने इसके 2500 वर्ड्स तैयार कर लिए। ये देखिए दोस्तों, अब आप इस पासवर्ड लिस्ट को अपनी पिछली वाली डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि वो डिक्शनरी और इम्प्रूव हो जाएगी। जो फाइल हमने पहले तैयार की थी आप इस वर्ड्स को उस पासवर्ड लिस्ट में अपेंड कर दीजिए, जिससे कि वो पासवर्ड लिस्ट और स्ट्रांग हो जाएगी। दोस्तों अगला ऑप्शन है -L। ये ऑनलाइन आपको वर्ड लिस्ट डाउनलोड कर देगा काफी सारी, जिसके अंदर आपको काफी सारी कॉमन पासवर्ड की लिस्ट मिल जाएगी। ये देखिए, इसमें काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपको कंप्यूटर से, डाटाबेस से, म्यूजिक से या किसी अन्य भाषा को लेकर कॉमन पासवर्ड लिस्ट डाउनलोड करनी है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे दोस्तों इसमें हिंदी का भी ऑप्शन आ रहा है, तो मैं हिंदी की पासवर्ड लिस्ट में डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने टाइप कर दिया इसमें 16 नंबर टाइप करके आप एंटर दबा दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हिंदी की पासवर्ड लिस्ट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये जो फाइल डाउनलोड है और ये सेव हो गई आपकी उस डिक्शनरी के अंदर। ये मैं इस फोल्डर में गया, डिक्शनरी में गया। ये देखिए दोस्तों, इसमें फोल्डर मिलेगा हिंदी नाम से और इसमें आपको जो फाइल मिल जाएगी इसको कर लीजिए एक्सट्रैक्ट हेयर। ये देखिए, हिंदू नेम्स की इसमें आपको वर्ड लिस्ट मिल जाएगी। इसके द्वारा भी दोस्तों हम अपनी डिक्शनरी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इन वर्ड्स को भी आप अपनी पिछली वाली डिक्शनरी में ऐड कर दीजिए और पासवर्ड बनने के इसमें ज्यादा चांस हो। ये मैंने इसको बंद कर दिया। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन है -A। दोस्तों ये ऑप्शन यूजर नेम और पासवर्ड की काफी बड़ी लिस्ट डाउनलोड कर देगा आपके लिए, तो आप इसका यूज करके डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड की लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें काफी टाइम लगेगा क्योंकि ये लिस्ट काफी बड़ी है और कई बार इसमें दोस्तों एरर भी आ जाता है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अगला देखिए दोस्तों, -V। ये केवल प्रोग्राम की जानकारी के लिए है कि प्रोग्राम का वर्जन कौन सा है, उसको किसने बनाया है, ये जानकारी आप
आपस में ले सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि टारगेट बेस्ड पासवर्ड लिस्ट या वर्ड लिस्ट डिक्शनरी अटैक के लिए कैसे तैयार की जाती है, जिसको कि बड़ी आसानी से तैयार किया जा सकता है और उसको किसी भी टूल में जो कि डिक्शनरी अटैक सपोर्ट करता है उसमें यूज किया जा सकता है। दोस्तों यदि आपको ऐसे अटैक से बचना है तो कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सोशल नेटवर्क पर मत डालिए या ऐसी कोई भी सेंसिटिव डाटा जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों ऐसी जानकारी आप डालेंगे तो दोस्तों हैकर्स इस चीज का गलत फायदा उठा सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों हमेशा आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही यूज करिए। आपके पासवर्ड के अंदर स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल करेक्टर होने चाहिए और आपका पासवर्ड कम से कम 8 अक्षर का तो होना ही चाहिए। और हमेशा अलग अलग वेबसाइट के लिए, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के लिए पासवर्ड भी अलग अलग ही यूज कीजिए और उन पासवर्ड को समय समय पर चेंज भी करते रहिए तो आप इस तरह की हैकिंग से बच सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस टूल को अपने ऊपर ट्राई कीजिए और आपने जो जानकारियां अपनी सोशल नेटवर्क पर डाली हुई हैं उसके हिसाब से वो जानकारियां इसमें फिल करके एक पासवर्ड लिस्ट तैयार कीजिए और देखिए कि आपका पासवर्ड इस लिस्ट में आता है कि नहीं आता। यदि दोस्तों आपका पासवर्ड इस लिस्ट में आ रहा है तो जल्दी से अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए और वो जानकारियां भी सोशल नेटवर्क से हटा दीजिए। और कभी भी दोस्तों अपनी पर्सनल जानकारियां सोशल नेटवर्क पर मत डालिए, ये आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा, काफी अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिली होंगी। यदि आपको इस तरह के वीडियो और भी इस चैनल पर देखने हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ उस नोटिफिकेशन वाले आइकन को भी क्लिक करके रखिए, जिससे कोई मेरे नए वीडियो आए तो उनकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच जाए। यदि दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर एथिकल हैकिंग के बारे में, व्हाइट हैट हैकिंग की टेक्निक्स और एडवांस कंप्यूटर स्किल्स की टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहती है दोस्तों, वो भी हिंदी में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। देखते रहिए टेक चिप। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।